तुम्हें घर जाना चाहिए अपने। देर निकल भाई, हो गई क्या काफी। हो गया इनको? How mean! इसको हमसे बात करना। रिस्पेक्ट खत्म। आई स्वेयर। ठीक है मैं चलती हूँ। इसकी मम्मी को बोलना चाहिए था। मुझे बस इतना पता है कि फजल भाई ने इस घर की खुशियों के लिए बहुत कुछ किया। आप सब शायद भूल गए लेकिन मैं नहीं भूल सकती। अल्लाह हाफिज। सुबह बखैर शुभ्रिया। मैंने कहा भाई आज नाश्ता तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही करते। ऑमलेट बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो सब। मैंने कहा अच्छा लगेगा तुम्हें? क्या मैं खुद ही पका के खुद ही खाऊंगा? तुम भी लो ना, बल्कि ये ले लो। आपको बता, आपका ये दोस्ती वाला रूप तो सबसे खूबसूरत लगता है। फिर तो तुम्हें पहले ये जान लेना चाहिए ना कि मैं वहाँ दोस्त बना कैसे, क्योंकि जब तुम पैदा हुई थी मैंने तो बाप बन के गोद में उठाया था तुम्हें। तो यानी आप अपने बाप के रिश्ते को हमारी दोस्ती पर फौकियत दे रही? ऑब्वियसली देखा जाए तो सच तो यही। दोस्त बन के हाथ थामा ही क्यों था अगर झटकना ही था? और तो और सही गलत अच्छे बुरे की फर्क और पहचान क्यों सिखाई थी? बस उल्टा सीधा कह देते कि मेरी हुक्म की तकमील करना सीख लो। वेरी आर्टिकुलेट, अच्छा बोलना सीख गया तुमने। तुम सच में ये भी बताओ कि क्या तुमने मुझसे बेहतर इस दुनिया को देखना भी जान लिया? सच्चा पापा, मैं आपसे बेहतर इस दुनिया को जान गई। और अगर आज भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना, तो जाए जाके पता लगाएं कि जिस फजल बख्श को आप इस घर में लेकर आए थे, आपने इतना करीब रखा था, उसको क्यों नहीं जान सके? उसका सच क्यों नहीं जान सके? सर, फजल बख्श ने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं बताया और ना ही मुझे कभी पूछने की जरूरत महसूस हुई। तो रमन तुम्हें तो होगा कुछ अंदाजा पता कराया तुमने? जी सर, मैंने मालूम करवाया था लेकिन उसे वहां कोई नहीं जानता सर। नंबर वो क्या नाम है उसके बाप का? सर खुदाबख्श। खुदाबख्श? हाँ, तो खुदाबख्श को तो जानता होगा ना कोई? जी सर, मैं दोबारा पता करवाऊंगा। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि मुनव्वर भाई फजल बख्श के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि ये उससे पैसे के लेन देन भी करते रहे हैं। और एक दिन तो उसकी दी हुई गाड़ी की चाबी भी घुमाते हुए जा रहे थे सर। मुनव्वर जी? जी जी, बात कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। मिस्टर सुलेमान, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? सेक्रेटरी बता रहा है कि साउथ और ईस्ट डिवीजन में हमारे जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब में तुम्हारी तरफ से कोताहियों की एक लंबी कतार लगी। इट्स नॉट पॉसिबल सर, कोई डिसइंफॉर्मेशन होगी। आप चाहे तो खुद देख सकते हैं रिपोर्ट्स। हाँ, मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा, क्योंकि ये सारा मामला हमारी पार्टी सदर के कानों तक पहुंच चुका है। तुम इस तरह करो कि तमाम फाइल्स देकर दाऊद अली खान साहब के घर पहुंच जाओ। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, समझे? दाऊद अली खान के घर? इज्जत से नाम लो।
दाऊद अली खान साहब। क्या दाऊद अली खान साहब फौरन पहुंचा? जी मैं पहुंचता हूँ सर। याद है जब देर तक तुम आईने में देखा करते थे तो मैं तुमसे क्या कहा करती थी? हाँ याद है। क्या आईने में खुद को देख के क्या ढूंढ रहे हो? खरीब आदमी। खरीब आदमी जरा ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहते थे? जो मासूम लोग कभी भी जिंदा है, खत्म नहीं हुआ है। आज भी इसी अहतमाद के साथ अपने लिए बात कह सकते हो? हाँ और हमेशा बोलूंगा। क्योंकि हम बात अपने लिए नहीं कही थी, तुम्हारे लिए कही थी। नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे दिया पागल ना जो मुझको कहा तेरा इश्क सबसे जुदा। सपना नहीं है तो फिर कुछ सामान वामान पैक करने आया होगा अपना। तब ये बोले ना कि शामिर मेरा बेटा, क्योंकि उसको पता है कि ये वहाँ पे झूठ बोल के रहा और इसने अपनी नकली आइडेंटिटी बताई, कोई और बन के रहा। समझे नहीं क्या बोले? ये अभी जब उसको बुला रही है उसको बोले ना कि शामिर है मेरा बेटा, ये है मेरा बेटा। अच्छा हाँ। और इस तरीके से पता चलना बहुत खराब होता है। ये तो पूरा गेम प्ले ही बर्बाद कर देंगे ये। क्या पता?
जान पहचान थी, क्या पता, देखते हैं अगले वीडियो में यार। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।